हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आपको राउंड टू की फाइनल कट ऑफ जो है वो आ चुकी है, उसके बारे में बताएंगे और राउंड थ्री की कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा राउंड थ्री में, राउंड थ्री की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी उसके बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर राउंड टू की जो कट ऑफ है वो आ गई है, ये है राउंड टू की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आई है ये आपकी 22,995 रैंक, ये जनरल कैटेगरी के लिए आई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 26,720 ऑल इंडिया कोटा, ओके। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ आई है 23,358 और एससी कैटेगरी के लिए ये 1,25,103 और एसटी के लिए 1,55,826। ये ऑल इंडिया कोटा राउंड टू की फाइनल कट ऑफ है। अब देखिए ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का जब फाइनल कट ऑफ आ गया है तो राउंड थ्री में कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए जो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड था उसमें कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू में ब्लॉक थी। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट या राउंड सेकेंड में अपनी सीट स्टेट में अलॉट करा ली थी और उन्होंने राउंड टू में भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ब्लॉक कर दी थी, तो वो सीट अब वो इधर अपने स्टेट में कॉलेज ले रहे हैं, तो वो सीट अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड थ्री होगा इसमें जाएगी। कहां पर चली जाएगी? ऑल इंडिया कोटा के राउंड थ्री में। यहाँ पर देखिए राउंड टू कंप्लीट हो चुका, जो सीट ब्लॉक थी अब स्टूडेंट ने जिसने ब्लॉक किए उसने स्टेट में राउंड फर्स्ट या सेकेंड में जो कॉलेज ले रखा था उसको दिगर अलॉट करेगा देगा, तो यहाँ पर ये सीट आपकी किसमें चली जाएगी? ऑल इंडिया कोटा राउंड थ्री में। और इस बार जो स्टेट काउंसलिंग चल रही है, लास्ट ईयर बिहार की जो काउंसलिंग थी वो थोड़ा लेट हुई थी, उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ा था, जो कट ऑफ था वो डाउन मतलब हाई गया था, अब इस उसमें सीटें ब्लॉक रही थी। इस बार क्या ऐसा नहीं होने वाला है, तो स्टेट की काउंसलिंग है वो साथ में चल रही है, समय से चल रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है उसके गिरने की पॉसिबिलिटी है, यानी जो राउंड थ्री का कट ऑफ होगा वो गिर सकता है यहाँ पर, ओके। तो ये जानकारी है आज के इस वीडियो में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी है, जो भी स्टूडेंट नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर फ्री लाइव क्लास लेते हैं अपने इस चैनल पे फिजिक्स की, और इसमें हम फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करते हैं, PYQ को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेली हमारी क्लास होती है, एक मॉर्निंग में होती है 8 AM से ये आपके 9 AM तक होती है, 10-5 मिनट कम ज्यादा हो सकता है इसमें, तो उसको हम डेली शेड्यूल कर देते हैं। तो ये हमारी एक लाइव क्लास होती है, दूसरी लाइव क्लास हम 2 PM से लेते हैं, ये 2 PM से 3 PM होती है, दो हम लाइव क्लास नीट के लिए रेगुलर क्लास लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2026 की जो 11th में है तो वो हमारी रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस पूरा फिजिक्स बेसिक से लेके डीप तक जितना भी है सब पढ़ाएंगे, और इसमें इसके हम जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी हम अपने जो लाइव क्लास है इसमें डिस्कस करेंगे। फ्री लाइव क्लास रहती है, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को,